80 साल की एंटिक बुढ़िया ने एक थप्पड़ पे 8 राउंड घुमा दिया और हमारा ढिंचक भाभी ने डायरेक्टर का डिमांड पे अपना गले पे फंदा अटका लिया। दादी ने चबनप्राश ज्यादा कूटी है, डायरेक्टर ने गांजा ज्यादा फूकी है। पहले ही भोसड़ी वालों का चुतिया वीडियो देख के आपको पता चल गया होगा हम किसके बारे में बात करने वाले। हाँ सही समझे दोस्तों, इंडियन टीवी सीरियल इंडियन डेली शॉप, बर्तन और कपड़ा धोने वाला शॉप नहीं, दिमाग धोने वाला शॉप, जिसको लगाने के बाद दिमाग में खुजली आता है बहुत। ऐसा बकचोदी हमारा दिमाग का महावहन करता है, लेकिन हमारा ही महावहन को बहुत पसंद आता है। ऐसा चीज देख के मम्मियों का दिमाग में ये आता है, ये महीर तुलसी को कितना प्यार करता है, अब इसे सब याद आ जाएगा। इसी में ही सीमित नहीं है दोस्तों, कभी घर में होता है खुशी का माहौल, कभी होता है शोक सभा। तभी माँ को पूछते, माँ कल तो दुखी थे बहुत, आज इतना खुश क्यों? आंसर आता है, कल राहुल का बीबी मर गया था, आज चुटकी का शादी है। शादी ब्याह तक तो ठीक है, ऐसा चूतिया एडिटर को चोर बाजार से लेके आके ऐसा चूतिया इफेक्ट डालने का जरूरत ही क्या है? कभी आगे कभी पीछे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी जूम ऑफ कभी जूम ऑफ, कभी लवड़ा कभी लहसुन, भोसड़ी के सीरियल बना रहे या टिकटॉक वीडियो कैसा? बहनचोद गजब बकचोदी है सच में, अगर इच्छाधारी नागिन होता ये चीज देखने के बाद खुदकुशी कर लेता। नहीं 19-20 का फर्क तो हमें भी समझ में आता है, इसका साथ नागिन प्रजाति का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नागिनों का चूड़ल भी इससे खूबसूरत होता होगा, भिंडी बाजार में 10 रुपया भाव का भिंडी बेचने वाले भी इससे अच्छा एडिट करता है। इतना कलरफुल ड्रेस भी नहीं मिलेगा आपको मार्केट में, इससे कई गुना ज्यादा नागिन प्रोड्यूस कर दिया इन्होंने मार्केट पे। मैं आप पूरे समस्त देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे भारत देश को बचा लो, जो मेरा भारत देश बिल्कुल बर्बादी के कगार पे। अभी दूसरा जिस चीज का बात करने वाले हैं हम, वो तो कतई जहर है दोस्तों, बंठन के रहना, मेकअप मेकअप मेकअप। चाहे सुबह चाहे शाम चाहे दिन चाहे रात, चाहे टॉयलेट में हो, किचन में हो, बेडरूम में हो, वॉशरूम में हो, चाहे पूजा में, चाहे शादी में, चाहे शमशान में, चाहे कब्रस्तान में, भाई इनका मेकअप रिचनेस देख के बिल गेट्स अंबानी भी पानी कम चाय लगते हैं। भाई इतना बंठन के अंबानी छोड़ो बिल गेट्स भी नहीं रहता है, लेकिन इन बकचोदों को रहना पड़ता है। चाहे हगने जाए, मुतने जाए, सोने जाए, रोने जाए, धोने जाए, महंगे जेवर, महंगे साड़ी, महंगे मेकअप लगा के ही जाना है। भोसड़ी वालों का जेवर साड़ी तो छोड़ो, इसका सरनेम भी ऐसा होता है, मल्होत्रा मेरा मोदी। इन्हें देख के पता चलता है दोस्तों हमारा कंट्री कितना अमीर है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। अभी बात करने वाला है इंडियन टीवी सीरियल के सुपर खलनायक के बारे में, विलेन, सुपर विलेन। अभी विलेन का एंट्री में इतना इफेक्ट डाल देता है, हमें लग रहा है भूकंप, सुनामी, आंधी या बाढ़ आ गया है, मतलब इतना खतरनाक विलेन होता है। इस प्रजाति ने ज्यादातर कभी सास के रूप में, कभी बहू के रूप में, कभी ननद के रूप में, कभी पड़ोसी के रूप में, कभी चूड़ल के रूप में, कभी नागिन के रूप में दिखाई देता है। इनको पहचानने के लिए एक सस्ता सुंदर टिकाऊ वाला आइडिया है, वो है बिंदी, बड़ा बिंदी। किसका बिंदी कितना बड़ा है, वो उतना खतरनाक विलेन है। इनका मूल काम है दिन भर षड्यंत्र रचना, एक अच्छी साफ सुथरी फैमिली को कैसे तोड़ा जाए। बकचोदी का कारण में हकीकत में कुछ माँ बहन फूफा फूफी अपना PhD पूरा कर लेता है फैमिली तोड़ने का, शांत वास्तविक जीवन में बवाल मचा देता है यही लोग। डेटोल यूज करने के बाद 100% कीटाणु जाता है या नहीं हमें पता नहीं, लेकिन टेलीविजन से ये बकचोदी हटा दिया तो 85% फैमिली से विवाद साफ हो जाएगा। सास बहु सास बहु करते करते ये लोग माँ बहन पे पहुँच जाता है। भाई ऐसा होता है फैमिली शो, हमें तो पता नहीं था। अभी बात करते हैं इन सीरियल वालों का घर या बंगलो का। भाई ये बंगलो है या बंगाल है, भाई इतना बड़ा बंगलो कहाँ होता है? ऑडियंस को भी पता है सास बहू फैमिली छोड़ के कुछ होता नहीं इन सीरियलों में, हर एक सीरियल एक ही कॉन्सेप्ट का होता है। जैसा कि कुछ सास को इतना खतरनाक दिखाता है, ऐसा ही कुछ बहू को बहुत ही भोली दिखाता है, इतना भोली कि टॉप और लैपटॉप में फर्क ही नहीं पता है। आज का जमाना में ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसको कपड़े और इलेक्ट्रिकल आइटम में फर्क नहीं पता, लेकिन ये सीरियल वालों ने यहाँ भी बकचोदी पेल दी और लैपटॉप को कपड़े के साथ सुखा दिया। तुम्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं, जरा भी नहीं, मेरी ग्रीन टी, ब्लैक टी, मेरे कपड़े, मेरा खाना पीना। भैंसद बीबी मर गई है, पड़ोसी का कुत्ता, बीबी मर गया, इनको ग्रीन टी ब्लैक टी पिला दो, कोई शोक सभा मनाओ, लकड़ी का इंतजाम करो, कितना काम होता है यार। मिस्टर मोदी, इट्स अ मिरेकल,
अबे भोसड़ी के तीन चार बार बोलने का जरूरत क्या है, हमें भी पता है हीरोइन है, इतना जल्दी थोड़ी मर जाएगा। अभी यही बेड पे सो के 25 एपिसोड तो कंप्लीट होगा, आगे का बकचोदी 20 साल तक चलता रहेगा वो तो अलग बात है। अगर कोई मर गया तो उसको पुनर्जन्म दे देता है, नहीं तो आत्मा दूसरा शरीर में घुस जाता है, नहीं तो भगवान के सामने नाच गा के मरा हुआ आदमी को जिंदा करवाता है। लास्ट बट नॉट ए लिस्ट, ऐसा मिरेकल होता है। दोस्तों आप बात करने वाले सीरियल के फाइट सिक्वेंस के बारे में, ऐसा बॉलीवुड वाला फाइट तो नहीं दिखाते लेकिन झापड़ बहुत पेलता है, सुख दुख मारा मारी लौड़ा लसन कुछ भी हो जाता है झापड़ पेल देता है। माँ ने बहू को पेल दिया, बहू ने बेटे को पेल दिया, बेटे ने बहन को पेल दिया, बहन ने ननद को पेल दिया, फूफा ने फूफी को पेल दिया, फूफी ने फिर बहू को पेल दिया। मतलब दोस्तों घूम फिर के रैप्टे चलता रहता है, इनको तब तक पीटना चाहिए बंदर का गाढ़ और इनका गाल का कलर जब तक मैच ना करे। और ज्यादा बच्चे दिन आकर के वीडियो खत्म करते हैं क्योंकि हम भी थक चुके हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे लाइक कमेंट करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों लाल वाला सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, कुछ भी करें लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबना चाहिए। और मैं दबा दबा के टीवी सीरियल्स देखता था, अभी मेरा दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है, इसके बाद शायद मैं बोल ना सकूं। अफसोस मुकेश बच नहीं सका।